हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एचआईवी। एचआईवी टेस्ट क्या होता है, जिसको जो बाद में आपका एड्स को ले लेता है, इसकी फुल फॉर्म है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। और एचआईवी की फुल फॉर्म भी आपको दोस्तों पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस, ये होती है एचआईवी की फुल फॉर्म। तो हम बात करते हैं एचआईवी होता क्या है हमारा। एचआईवी आपको मैं सिंपली लैंग्वेज में बता दूं, एचआईवी बहुत डेंजर डिजीज है, ठीक है। इसकी 3 स्टेज होती है, ठीक है। 3 स्टेज में एचआईवी होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में एक्यूट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको हेडेक, फैटिक और आपको एचिंग मसल्स रहेंगी और शॉर्ट थ्रोट रहेगा आपको, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको होती है, आपको सोलन लिम्फ नोड आपके हो सकते हैं, फीवर हो सकता है आपको मसल्स, और आपको अल्सर्स हो सकता है आपके माउथ में, ठीक है, और हेडेक रह सकती है आपको। ये इसके अपेरेंट सिम्टम्स होते हैं जो फर्स्ट स्टेज के हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसको क्लिनिकल लेटेंसी सिम्टम्स बोलते हैं, ये इसी में ही आते हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी जो CD4 सेल्स है ये उनको किल करती है, जो HIV होता है वो CD4 सेल्स को किल करता है, और जो इम्यूनो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो आपका बिल्कुल खत्म होता है, ठीक है। जिससे आप किसी, जैसे मान लो आप किसी भी अनहाइजीनिक जगह जाते हो, आपको बहुत जल्दी से इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। जिस कंडीशन में आपको HIV होगा तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर करता है। जिसमें आप बात करते हैं थर्ड स्टेज में क्या है, इसमें सिम्टम्स आपके भयंकर सिम्टम्स आएंगे आपको, जिसको लास्ट स्टेज बोलते हैं। इसमें आपको परमानेंटली आप थकावट सी रहती है, और आपकी जो लिम्फ नोड है वो स्वेलन रहती है, जो आपकी गर्दन में है, और फीवर रह सकता है आपको, कम से कम 10 दिन से ज़्यादा आपको फीवर रह सकता है। नाइट स्वेट्स हो सकती है, आपका मुसलसल वेट लॉस होगा। वेट लॉस होने के कारण आपकी बहुत सारी कंडीशंस होंगी आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर आपको पर्पल स्पॉट हो सकते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, और सीवियर लॉन्ग लास्टिंग जिसको बोलते हैं डायरिया हो सकता है, और जैसे आपके माउथ है, माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सिम्टम बहुत सारे हैं, और आपको क्या कहते हैं, जैसे आपको एक कन्फ्यूज़न टाइप की हो सकती है, आपको सीजर्स हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इस जो लास्ट स्टेज में आ सकते हैं। अब बात करते हैं ये आपको होता कैसे है, इसके कॉजेज क्या है। अब बात करते हैं कॉजेज की, कॉजेज इसके ये है, अगर आप कि एक डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे आपको नर्सिस जो है आपको अनहाइजीन या इन द सेंस कोई नीडल आपसे शेयर करती है किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की, जो आपसे वो ऑलरेडी रीयूज थी और वो आपको यूज़ हो गई, तो हो सकता है उस पेशेंट को जिसको वो नीडल यूज़ हुई थी उसको HIV इन्फेक्शन। तो ये 100% आपको उस नीडल से HIV का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट कॉजेज तो ये था, इस बात का सेकंड कॉजेज कैसे होता है। सेकंड कॉजेज ये है कि अनसेफ सेक्स अगर आप करते हो, ये सीमेन के थ्रू इंटरकोर्स करते हैं, तो उससे भी आपको HIV होने की संभावना हो सकती है। अब थर्ड क्या है, थर्ड ये है, आप अगर किसी की चीज़ यूज़ करते हो, लाइक रेजर यूज़ करते हो आप, या आप उसकी, या कोई भी कटिंग करने वाली चीज़ें यूज़ करते हो, नेल कटर यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में आपको HIV होने की संभावना हो सकती है। अब एक चीज़ और होती है, आपने कभी नोट किया हो, जैसे कभी मेला भरता है, आप लोग जाते हैं मेले में, और वो एक हाथ पे क्या करते हैं, पूरा टैटू टाइप का बनवा लेते हैं, ठीक है। अब टैटू तो बनवा लेते हैं, बट वो कभी सोचते नहीं है कि वो जो चीज़ वो यूज़ कर रहा है, जिससे वो टैटू छाप रहा है हमारी स्किन के ऊपर, वो मशीन किस तरह की है, कैसी मशीन है वो, क्या उसको अच्छे से क्लीन करता है या क्या करता है, हम कभी उस चीज़ पे बोल नहीं देते। सीधी सी बात ये है कि आप टैटू बनवाने गए, और उससे हमारे टैटू बनवाने से पहले सिर्फ 1-2 आदमी ऐसे है जिसमें से किसी उनमें से एक को HIV इन्फेक्शन था, या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको HCV था, यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस था, या HBsAg था, तीनों में से कोई भी इन्फेक्शन होता है, अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है उसको, तो वो उसका थोड़ा बहुत अगर ब्लड का जो आपका उस मशीन में रह गया, जो उसमें थोड़ा बहुत पार्टिकल जरासीम रह गई, तो और उसी के बाद पेशेंट के जाने के बाद इमिडिएटली आपसे के यूज़ हुआ हो, उसी मशीन से आपकी स्किन पर टैटू बनाया, तो समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ब्लड जो है आपकी स्किन में जा सकता है, यानी कि HIV इन्फेक्शन या जो भी इन्फेक्शन वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ से भी आपको HIV होने की संभावना हो सकती है।
तो ये थी थोड़ी 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 सी प्रिक्वेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब बात करते हैं ये HIV टेस्ट होता कैसे है। इसमें नॉर्मल ब्लड सैंपल लेते हैं जो आप लैब में किसी भी टाइम जाके सैंपल दे सकते हैं, इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है। आप इसमें मॉर्निंग फास्टिंग कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी इसका सैंपल दे सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस ये लैब टू लैब वेरी करता है, कहीं पे इसका 250 का रेट है, कहीं पे 350 का है, कहीं पे 400 का रेट है। तो 400-450 से ऊपर का ये जो टेस्ट भी है। और कहीं पे अगर आपको बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट कराना है, जिस जो बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट है उनकी अगर मैं बात करूँ तो आपके 2000 से 3000 तक हो सकते हैं, जिसको PCR बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वेस्टर्न ग्रोथ करके टेस्ट होते हैं, वो आपके थोड़ी कॉस्टली हो सकते हैं, बट ये कंफर्मेटरी करनी ज़रूरी है। बात करते हैं ये होना ये किसको हो सकता है, कौन सी एज में आपको ये होने के चांस देते हैं, क्योंकि उस एज में आपको दिखना होगा आप कहाँ क्या खाते हो, किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये इतनी भयंकर बीमारी है, आपको अगर सपोज आपको अगर HIV है तो कल किसी ने अगर आपकी शादी होगी तो उससे आपकी वाइफ को होगा, फिर बच्चे को होगा, फिर बाद में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो बेटर देन मैं कहता हूँ आपको पहले ही अपने आप को आप प्रिकॉशन लें, आप उन चीज़ों से बचें जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। आप नई चीज़ यूज़ करें, आप नए रेजर यूज़ करें, आप अपना ध्यान खुद से रखें। HIV टेस्ट होता क्या है, जो रैपिड टेस्ट नॉर्मली कराते हैं लैब में वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका रेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये HIV होता है, आप देख सकते हैं इस पर लिखा है ट्रस्ट लाइन, तो ये मैंने आपको दिखाया, ये कार्ड जो होता है ये आपका रैपिड कार्ड जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट लाइन करके कंपनी आती है। HIV फर्स्ट और टू इसमें होता है, HIV फर्स्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है, HIV टू हमारा इंडिया में ज़्यादा इतना नहीं है, ठीक है। और ये इसमें डिफ्रेंशिएट करता है HIV 1 एंड HIV 2 एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है, तो ये रैपिड टेस्ट कहलाता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे। बाकी मिलते हैं आपसे, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।